नमस्कार दोस्तों बात पाइंड पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम निधि है दोस्तों देश के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक नीट यूजी जो है इसके पेपर लीक की न्यूज़ आपने सुनी ही होगी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ कुछ दिन पहले एग्जाम कंडक्ट किया गया यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पटना यानी बिहार और राजस्थान में स्पेसिफिकली कुछ गड़बड़ियों के बारे में शिकायतें सामने आई जिसके बाद पटना में तो नीट पेपर लीक की सूचना के बाद एफ भी दर्ज कर लिया गया था वहीं राजस्थान के भरतपुर में एक डमी कैंडिडेट को परीक्षा देते पकड़ा गया इन सब गड़बड़ियों के बीच में बहुत ज्यादा आलोचनाएं होनी शुरू हो गई जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया बड़े बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर पर या एक्स पर ट्वीट करना शुरू कर दिया जिनमें से एक प्रियंका गांधी जी भी हैं यहाँ पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस पर कुछ किया क्यों नहीं जा रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा इन सबके बीच में अब जो एन है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसने इस पेपर लीक की जो खबर है या जो क्लेम्स ये किए जा रहे हैं इनको सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू नीट यूजी पेपर क्वेश्चन पेपर लीक ये बेसलेस है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और यहां तक भी कहा, कहा गया है कि भाई Uh, जो भी एलिगेशन लगाई जा रही है सोशल मीडिया पर उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं एग्जैक्टली exactly क्या हुआ है क्या है पूरा मुद्दा ये जानते हैं तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी ने आज एक बार फिर से कर दिया उन सभी आरोपों को जो कि लग रहे थे NTA पर पेपर लीक को लेकर ऑफ नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट जहां पर यह कहा गया कि जो भी पोस्ट सोशल मीडिया पर की जा रही हैं

यह असर्टन कर दिया गया है एनटीए के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से और स्टैंडर्ड प्रोसीज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स से कि जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो पॉइंट आउट कर रहे हैं टूवर्ड्स तो एनी पेपर लीक वो पूरी तरह से बेसलेस हैं और विदाउट किसी ग्राउंड के हैं ठीक है इन्होंने यहां पर ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है दे सी सी टी वी जिसकी वजह से ऐसी कोई भी चीज़ होने की संभावना ही नहीं है यहाँ पर इन सभी रूमर्स को शांत करने के लिए उन्होंने कहा कि हर क्वेश्चन पेपर जो है नीट का इट हैज बीन अकाउंटेड फॉर सबकी जानकारी होती है तो ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ यस दैट देट जैसे जो एकदम ही स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में चला गया इस तरह की चीजें हुई हैं जिनको टैकल किया जाएगा या फिर जो अनफेयर मीन्स यूज किए जाते हैं उनको भी सीरियसली टैकल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स ठीक है इसके बारे में क्या क्या कहा गया है इन सब चीजों को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट्स अन अकेडमी रिजल्ट की मैं बात करूं तो इस बार फिर से अन अकेडमी के लर्नर्स ने परचम लहराया है जहां पर 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है इन यूपीएससी ट्वेंटी थ्री ये सभी लर्नर्स किसी ना किसी फॉर्म में अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे एंड दे हैड एडवांटेज इज दिस एडवांटेज यहाँ पर ना केवल आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जीएस का बल्कि आपको डेडिकेटेड सी साइड और एस राइटिंग क्लासेस मिलती हैं 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलती है आपको मंथली मैगजीन के साथ आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है जिसमें चालीस से ज्यादा सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं आपके प्रॉब्लम और मीनस के लिए साथ ही आपको वन ऑन ऑन इंटॉनशिप और डाउट सॉल्विंग सेशन भी यहाँ पर मिल रहे हैं कैसे आप एनरोल कर सकते हैं इसके लिए आपको जाना होगा हमारे सेंटर्स यहाँ पर गिवन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं जो सेंटर्स हैं हमारे दिल्ली में मुखर्जी नगर करोल बाग में और यूपी में प्रयागराज में इन सेंटर्स में यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दी कोर्सेज एवरीथिंग अभी एनरोल कर लीजिए सो दैट यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ और कोई जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सके डिटेल्स ले सकते हैं या फिर नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं यहाँ ये पूरा एंटी का जो स्टेटमेंट आया ये आया जब कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर पर या एक्स पर ये जो एक तरह से एलिज नीट पेपर लीक के बारे में लिखा यहाँ पे उन्होंने लिखा कि एक बार फिर से रिपोर्ट्स आ रही है नीट पेपर लीक की 24 लाख जो बच्चे हैं युवा हैं देश के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये ट्रे, ट्रेंड जो है जहाँ करोड़ों प्रॉमिसिंग युवाओं के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है ये पिछले दस सालों से चल रहा है क्या देश के प्रधानमंत्री संबंध में कुछ कहेंगे क्या वो यूथ को पैसेफाई करने के लिए कोई कानून लेकर आएंगे पार्लियामेंट में अगेंस्ट पेपर लीक कहा है कानून क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा इस तरह की बातें अपने एक्स एक्स पर 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 लिखी एक्स या पर लिखी यानी ट्विटर यहां प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी फोकस करेगी टू पुट अ स्टॉप टू दीज पेपर लीक्स किस तरह के पेपर लीक के मामलों में को रोक दिया जाए करेक्ट यहां पर आगे उन्होंने कोर्ट अनकोर्ट कहा कि जो रिक्रूटमेंट हैं उनको किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर जो वेकेंट पोस्ट हैं उनको भरा जाएगा और जो टैंपरिंग हो रही है युवाओं के भविष्य के साथ उसको रोका जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे इसको किया जाता है ये भी उन्होंने यहाँ पर ऐड किया तो ऐसा लगता है कि चुनाव के माहौल में सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं यहाँ पर नीट पेपर लीक को भी एक तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो न्यूज आई थी पेपर लीक की इन बिहार एंड राजस्थान जिसे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे इसको लेकर एन ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया जिसके बारे में हमने बात भी की यह एग्जाम पांच मई को कंडक्ट किया गया था और पांच सौ सिटीज में इसको कंडक्ट किया गया था एन के द्वारा अकॉर्डिंग टू दी एन स्टेटमेंट कुछ स्टूडेंट ने फोर्सिबली क्वेश्चन पेपर को सेंटर के बाहर वो लेकर गए सवाए माधोपुर राजस्थान में बिफोर द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम इसके बाद कोर्ट अनकोट ये भी कहा गया स्टेटमेंट भी जो क्वेश्चन पेपर की पिक्चर जिसको लिंक किया जा रहा है पेपर लीक के मुद्दे से उसका कोई भी आ, मतलब ये बिल्कुल बेसलेस है इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और यहां तक भी कह दिया कि कोई भी एक्सटर्नल पर्सन या एजेंसी सेंटर्स को एक्सेस नहीं कर सकती एक बार जब एग्जाम स्टार्ट हो जाता है जो भी फोटोग्राफ्स है इस क्वेश्चन पेपर की जो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे उसका एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर से जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है उससे कोई भी संबंध नहीं है तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया गया साथ में पांच मई को ही जब ये पूरा एक तरह से मैंने आपको बताया था राजस्थान में और पटना में कुछ एपिसोड इंसिडें हुए थे उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किया गया था एनटीए के द्वारा जहां पर एनटीए ने कुछ एक्शन भी लिए जिसमें राजस्थान के सवाए माधोपुर में एक क्या हुआ था गलत पेपर बट गया था जहाँ पे हिंदी के स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया था एक इस तरह की चीजें हुई थी यहाँ पर कुछ परीक्षार्थियों ने जो नीट यूजी का पेपर है उसको लेकर वो बाहर आ गए थे बिना एग्जाम पूरा हुए ये सारे चीजें हुई तो इस सब को ध्यान में रखते हुए एन ने कहा कि जो सभी कैंडिडेट्स हैं उनको समान अवसर मिलना चाहिए और जिस सेंटर में भी इस तरह की चीजें हुई हैं जहां पर क्वेश्चन पेपर बाहर लेकर बच्चे आ गए थे या जो भी कुछ हुआ गलत पेपर चला गया था उन बच्चों का दोबारा से एग्जाम किया जाएगा कंडक्ट किया जाएगा और वो एग्जाम पांच मई को ही 120 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से कंडक्ट किया गया ठीक है तो यहाँ पर यह सारी डिटेल्स भी मेंशन कर दी गई थी नाउ अगर हम टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो इस साल एक रिकॉर्ड 23 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था नीट यूजी के लिए जिसमें से 10 लाख मेल स्टूडेंट्स और 13 लाख से ज्यादा लड़कियां रहीं और 24 स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्टर्ड थे अंडर दी थर्ड जेंडर कैटेगरी वही अगर 2023 की हम बात करें तो बीस लाख सतासी हजार चार सौ उनचास कैंडिडेट किया था नीट यू जी के लिए और एग्जाम सात मई को हुआ था जिसमें एन ने रिकॉर्ड किया था नाइनटी अटेंडेंस और री एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया गया था नियरली एटी सेवन हंड्रेड कैंडिडेट्स के लिए तो ये कंपैरिजन है अगर हम इस साल का जो रीजनल रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैंडिडेट्स का है देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया विद दाइस्ट नंबर विद्री लाख थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रजिस्ट्रेशन इसके बाद महाराष्ट्र नंबर दो पर रहा विद टू लाख सेवेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर राजस्थान में वन लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी नाइन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया वहीं साउथ स्टेट्स में तमिलनाडु और कर्नाटका ने एक लाख पचपन हजार दो सौ सोलह तमिलनाडु ने और कर्नाटका ने एक लाख चौवन हजार दो सो दस कैंडिडेट ने रजिस्टर किया अभी फिलहाल एन टी ए ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है जहां कुछ गड़बड़ी हुई सेंटर में वहां पर पेपर रिकंडक्ट भी कर दिया गया है ताकि बच्चों को एक तरह से पैरिटी मिले समान अवसर मिले आगे इसमें क्या जानकारी आएगी उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं बट फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों आई होप यू लाइक द सेशन